अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप के ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं कैसी जा रही है आपकी ईद? हमारी ईद तो माशाल्लाह से अच्छी गुजरी है। और ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था ईद का दूसरा दिन, और मैंने सोचा कि क्यों ना ईद के दूसरे दिन का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कुछ केक पेस्ट्रीज थी, और ये एक्लेयर्स की कुछ बटर कैंडीज थी, जो मेरी बिल्डिंग में एक फ्रेंड रहती हैं, उन्होंने मुझे भेजी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इसे मैं डाल रही थी प्लेट के अंदर, क्योंकि अगर ये डिब्बे में पड़ी रहेंगी तो फिर कोई भी नहीं खाएगा, और ऐसे इसे मैं डिस्प्ले में लगा दूंगी तो कोई ना कोई खाता ही रहेगा। तो बस अभी ईद के दूसरे दिन की तैयारी चल रही थी, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, सिंपल से ही नाश्ता किया था, कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने के फौरन बाद एक दो दिन लगते हैं रूटीन सेट होने में। तो ये है ईद के दूसरे दिन का ड्रेस जो कि मैंने पहना है, और ये मैंने पहनी है आज रिंग्स। और क्योंकि मैं रिंग्स पहनना ईद के पहले दिन भूल गई थी, कोई भी ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी थी, इतनी मैं जल्दी में थी, और ऐसे ही होता है हमेशा, मैं जल्दी जल्दी में निकलते वक्त ज्वेलरी पहनना, चूड़ियाँ पहनना भूल गई थी। जैसा कि आज इसके साथ मैंने ज्वेलरी पहन ली थी, लेकिन मैं इसके साथ चूड़ियाँ पहनना भूल गई थी। हालांकि इस ड्रेस के साथ मैंने बहुत ही प्यारी जो है वो बैंगल्स भी ली हुई थी, और मैंने शायद ईद के जो व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपको दिखाई भी थी, टिपिंग कलर की मेरे पास बैंगल्स थी जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, लेकिन जल्दी में मैं पहनना भूल गई। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं, यहाँ हाशिम सुपरमार्केट है, वहां से हम लोगों ने फ्रूट की दो पेटियां जिसे बोलते हैं वो ली हैं, क्योंकि पहली दफा जा रही हूँ शादी के बाद मैं अपने भाई के घर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ लेकर जाऊं। तो मीठा वगैरह तो वैसे भी बहुत होता है, तो मैंने फिर फ्रूट्स की पेटियां ले ली थी, एक एप्पल्स की और एक ऑरेंज की। और उसके बाद ये देखिए एंट्रेंस की मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि एंट्रेंस में इतना ज़्यादा क्राउड था। यहाँ पे ये दुबई है, नाहदा है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, और बिल्डिंग्स के नीचे इतना क्राउड था कि मैं नीचे वीडियो बनाना भूल गई। और ऐसे ही होता है कि समटाइम किसी मेन चीज की मैंने वीडियो बनानी हो ना, तो जहां क्राउड होता है तो पता नहीं क्यों मुझे एक हेजिटेशन सी होती है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम भी वीडियो में आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं कि कोई वीडियो बना रहा हो तो उनकी वीडियो में वो लोग आ जाए। एनीवेज मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो में कोई भी ना आए। तो ये हम लोग आगे थे ऊपर उसके फ्लैट में, और अभी तो वो स्टूडियो में रहता है, लेकिन अच्छा स्टूडियो है, कम्फी था। और उसके स्टूडियो के बाहर का ये एरिया है जहाँ पे पिजन्स बैठे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे, और मैं काफी टाइम खड़ी होकर इन पिजन्स के साथ बातें कर रही थी, देख रही थी। तो काफी अच्छा माहौल लगता है ऐसे, जैसे आपके बिल्डिंग के बाहर इस तरह का कुछ माहौल हो, तो पिजन्स देखना, नेचर को देखना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज्यादा पिजन्स बैठते हैं, अभी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन बाद में काफी ज्यादा पिजन्स आके बैठ रहे थे और आपस में प्ले करते हैं और उड़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारा व्यू देख के। तो ये उसके फ्लैट के अंदर की वीडियो है, उसने हमारे लिए कुछ कन्फेक्शनरी का इंतजाम करके रखा हुआ था, और बिस्किट, चाय वगैरह, कॉफी, ये हल्का फुल्का हम लोगों ने पिया। और ये थी पेटियां जो मैं हाशिम सुपरमार्केट से लेकर आई थी अपने भाई के लिए, तो वो खाएं और खाली हाथ ना जाया जाए, क्योंकि खाली हाथ ईद वाले दिन किसी के घर में जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। ईद वाले दिन क्या वैसे भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ भी हो या पाकिस्तान भी, अपने बहन भाई या किसी भी फ्रेंड्स के घर में खाली हाथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है अगर आप कुछ ले जाते हो, तो इससे आपकी एक मोहब्बत बढ़ती है। तो बस यहाँ पे मैं उसका फ्लैट की वीडियो बना रही थी और आपके साथ शेयर कर रही थी। तो काफी माशाल्लाह से उसने अरेंज करके रखा हुआ है, अभी मतलब कि उसकी शादी जो है, शादीशुदा लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इंसान अपनी जिंदगी में बढ़ता है आगे की तरफ। और ये स्टूडियो काफी अच्छा था, इसमें दो तरह की कब्बर थी, काफी बड़ी बड़ी। हम लोग यहाँ पे निकले थे अभी लंच करने के लिए, क्योंकि नाश्ता काफी हल्का फुल्का किया था, अभी रेडी होते यहाँ आते काफी टाइम हो गया, बैठे थोड़ा सा पानी वानी पिया, और उसके बाद अब हम लोग निकले हैं लंच करने के लिए। और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे जाके लंच करें, फिर काफी डिसाइड करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे डेली रेस्टोरेंट, ये दुबई में ही है, अच्छा है, अच्छा होटल
होटल है, अच्छा खाना है उनका, प्योर ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना है और बहुत ही मजे का होता है। लेकिन यह है कि इनकी टाइमिंग जो है लंच टाइम की 4 o'clock तक है और उसके बाद 5 or 6 o'clock पे इतने ज्यादा लोग नहीं होते, 7 o'clock पे दोबारा से ये स्टार्ट होता है। और अभी आप देख सकते हैं पूरा जो है होटल वो बिल्कुल खाली भरा हुआ था। एनीवेज हम लोग आए और खाना तो इनके पास होता है, कहते हैं कि हर वक्त ही होता है, तो हम लोगों ने इनके पास मंगवाई रोटियां थी, तंदूरी रोटियां और ये कराची की चिकन बिरयानी थी फुल मसाले वाली, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। और उसके साथ हम लोगों ने मंगवाया था मटन कुन्ना और ग्रिल वगैरह थी, ग्रिल में हम लोगों ने चिकन मलाई बोटी मंगवाई थी और चिकन टिक्का मंगवाया था, साथ में पेप्सी थी, सलाद थी और रायता वगैरह था। और बस काफी मजे का खाना था, काफी अच्छा मजा आया हमें, काफी हम लोगों ने गपशप लगाई और खाना खाया। लेकिन इस रेस्टोरेंट में अगर आप आना चाहेंगे तो आप लाजिम आए, लेकिन अगर मॉर्निंग में आते इस टाइम में ना आए, इस टाइम में खाना खाने का हमें इतना ज्यादा मजा नहीं आया था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा फ्रेश नहीं लग रहा था खाना जैसा कि नाइट में होता है। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि फ्रेश है, हम लोगों ने फ्रेश ही रखा होता है खाना, कभी भी हमारा ऐसा नहीं होता कि फ्रेश ना हो, तो हर चीज फ्रेश ही बना के देते हैं, तो मे भी हो, लेकिन मुझे ये टाइमिंग सूटने की, लेकिन गलती हमारी है और हमारे पास भी टाइम ही यही था 4 o'clock के बाद हम लोग बैठ के यहाँ, आई थिंक यहाँ खाना खाते खाते हमें 5 o'clock हो गए थे। लेकिन इन लोगों की जो है वो निहारी सबसे मजे की और सबसे इनकी सिग्नेचर डिश है और बहुत ही मजे की होती है, अगर आप लोगों का कभी इतफाक होगा तो आके लाजिम खाइएगा। तो खाने वाने से हम लोग फारिग हो गए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे थे इसी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में। इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल भी है एंड जिम भी है, तो मेरे बेटे का यहाँ पे आने का सबसे मेन पर्पस यही था कि उसे करनी थी स्विमिंग, बिकॉज ही इज रियली रियली क्रेजी फॉर स्विमिंग और हर बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज का शौक होता है। हाँ ये भी सीधे करो बेटा, आपने उल्टा किया था, ये सीधा वाला करो, चलो फिर। तो बच्चों को माशाल्लाह से काफी शौक होता है इन सारी एक्टिविटीज का, क्योंकि उनकी एज ही ऐसी होती है ना, तो यहाँ पे तो माशाल्लाह स्कूल्स के अंदर ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अभी जैसा कि ना तो स्कूल रहे हैं और ना ही वैसा माहौल रहा है, तो बच्चे इन चीजों को बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये यहाँ पे मैंने मतलब कि बैठी हुई थी, मैं बैठ गई थी चेयर पे क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बैठ जाऊं, क्योंकि अगर खड़े भी रहते तो कितना को टाइम खड़े रहते। और ये जो है ये स्मॉल वाला पूल है और इसके दूसरी साइड पे जो है वो बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें जो है वो एडल्ट्स का पूल है और मतलब काफी अच्छा स्विमिंग पूल है इस बिल्डिंग का। और ये तकरीबन आई थिंक 20-30 floor की जो है ये बिल्डिंग थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी और स्विमिंग पूल भी काफी ज्यादा बड़ा था और मेरे बेटे ने बहुत ही ज्यादा फन किया था, उसे इतना मजा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर भी अंदर लेके जाओ। Yes. Papa, wait. I can do more medal. Okay, okay. Have a look. Again, करो again. सर को नीचे करो यहाँ से। Yes, now I can go to big pool. यहाँ मैं दूँ इसका थोड़ा सर भी डाउन करो। इसका साथ में पानी चला गया। अपनी मर्जी से करेगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जितना मेरा बेटा फन कर रहा था और मैं इतनी खुश हो रही थी और उसका मामू जो है वो उसको स्विमिंग सिखा रहा था, क्योंकि उसे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी स्विमिंग आती है, वो मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे तरीके से स्विमिंग सिखा रहा था। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी, जो लोग भी यहाँ पे फ्लैट्स में रहते हैं, जो लोग अजमान में रहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कोई अच्छी बिल्डिंग हो जिसमें स्विमिंग है या जिम है, क्योंकि हम
लोग तो अभी तक जितनी भी बिल्डिंग्स में रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल और जिम तो नहीं होता, और जो बिल्डिंग्स जिनमें स्विमिंग पूल या जिम होता है वो आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं रेंट के लिहाज से। लेकिन आप मुझे यहाँ पे मशवरा दें कि ऐसी बिल्डिंग में रहना अच्छा होता है जिसमें स्विमिंग पूल और जिम हो, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मेरे ख्याल से ऐसी बिल्डिंग अच्छी रहती है क्योंकि आप जितना भी जिम की चले जाओ आप बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पाते जिम में, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। बहुत दफ़ा मैंने जो है वो जिम ज्वाइन करने की कोशिश की है लेकिन मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे जिम है या स्विमिंग पूल है तो आप आ जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो आप मुझे बताइएगा अगर अजमान में कोई ऐसी बिल्डिंग हुई मेरे साथ लाजिम शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और हम लोग वहाँ से फारिग हो गए थे, उसके घर से हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, चेंज करके अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे क्योंकि अभी तकरीबन रात का टाइम हो गया था और हमने सोचा कि हम लोग कुछ खा पी के घर जाएँ और आराम सुकून से सो जाएँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड के अपनी मसरूफियात थी और मेरे अपने घर के बेतहाशे काम थे जो कि दो तीन दिन से, एक दिन भी घर के काम ना करो तो इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी तो ईद के लिए 3 दिन की छुट्टी मारी हुई थी और घर में लाइन लगी हुई थी कामों की, छोटे मोटे ये वो काम संभालने वाले रखने वाले। तो हमने सोचा कि आराम सुकून से करते हैं डिनर और उसके बाद घर जाके आराम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे अल मुख्तियार बेकरी में, ये अल मुख्तियार बेकरी जो है वो रस्ते में पड़ती थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका मंगवाया था पिज्जा जो कि बहुत ही मज़े का होता है, इनका एक ही पिज़्ज़ा होता है। और उसके बाद साथ मंगवाया था चिकन फतायर क्योंकि बेटे को चिकन फतायर पसंद है और हमने जो है वो पिज़्ज़ा खाया, बेटे ने फतायर खाया। और उसके बाद ये मीठा है इनका जो कि बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही मज़े का होता है। और बस खा पी के आराम सुकून से 5-10 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठे, बातें शातें किए, उसके बाद मीठा वीठा खाया और अब हम लोग जा रहे थे घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर गई, ईद के दोनों दिन अच्छे गुजर गए, एटलीस्ट पिछले साल की बनिस्बत तो अच्छी गुजरी है। पिछले साल तो बिल्कुल बोर ईद गुजरी थी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनकी ये वाली ईद भी अच्छी नहीं गुजरी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में अभी कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कई लोग इतने इतने ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह पाक इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दे, आने वाले साल में हर कोई अपनी ईद अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से मनाए। और यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द इस चीज़ को हमारी लाइफ में ख़त्म कर दे और हर कोई अपनी खुशियां अच्छे तरीके से मनाए। और यहाँ पे मैं ब्रेड वगैरह ले रही थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे 2 दिन के लिए। अभी 1-2 दिन घर में सुकून से रेस्ट करेंगे, फिर घर की ग्रोसरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर चलता रहेगा आपके साथ हर तरह की शेयरिंग और आपके साथ बातें और अपनी लाइफ आपको दिखाती रहूँगी। और बस यहाँ पर जो लेना था वो ले लिया था और अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ से वापस। तो आई होप आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। यहाँ का व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखती हूँ अपनी दुआ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।